क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लोक गायक जसवीर उझाना है और फोक सिंगर जसवीर उझाना के नाम से भी कुछ लोग मुझे जानते हैं। सर, नई सरकार से कितनी क्या कुछ उम्मीद है कि कलाकारों के लिए कितना कुछ कर पाएगी? सर, नई सरकार से हमारी उम्मीद है कि हमारे संगीत को, हमारे लोक संगीत को, हरियाणा की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है, या वो दादा लक्ष्मीचंद हो, दादा मांगेराम जी हो, और राय जी धनपत सिंह हो, चंदगी राम जी हो, रामकिशन ब्यास जी हो, जाट मेहर सिंह हो, बाजे भगत जी हो, ऐसे ऐसे कलाकार हरियाणा की भूमि में पैदा हुए जिन्होंने अपनी लेखनियों से, अपनी रागनियों से, अपने सांगों से लोगों को प्रेरित किया, और उनके सांगों में बहुत गुड़ रहस्य और शिक्षा छिपी हुई थी। लेकिन आज का युवा उनसे भटकता जा रहा है, और मैं निवेदन करता हूँ सरकार को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे हमारे हरियाणा के संस्कार और संस्कृति और संगीत को बचाने की। आजकल हम देखते हैं यूथ फेस्टिवल में, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ही हमारी संस्कृति के रूबरू दर्शन होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में करें, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र पर हमारी संस्कृति आज कम होती जा रही है। तो युवाओं का ध्यान आज भटकता जा रहा है, आज डांस की तरफ और गंदे गीतों की तरफ हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हम स्कूल कॉलेजों में भी जब देखते हैं, यूनिवर्सिटी के फंक्शनों में देखते हैं, तो युवा डांस बहुत देखते हैं, लेकिन हमारी रागनियाँ, हमारे सांग, हमारे समूह वाद्य यंत्र, जो हरियाणा की संस्कृति का एक विशेष पहचान मानी जाती है, आज वो कम होते जा रही हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि तीज और त्योहारों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गाँव में लेकर जाए और गांव तक हमारी संस्कृति को बचाएं। मेरे साथ, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू कराना चाहता हूं, मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत है, हरियाणा के सांग विधा के बहुत ही बड़े कलाकार माने जाते हैं, दादा चंदगी राम जी, बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, और आज के वर्तमान जो आधुनिक सांग सम्राट माने जाते हैं राय जी धर्मवीर सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं भाई सोनू भगाना, जो लगातार 20-25 साल से हरियाणा की संस्कृति सांग विधा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनसे आप की कुछ बातें मैं कराना चाहता हूं। राम राम जी। सर, नई सरकार से क्या कुछ उम्मीद है कि कलाकारों के लिए क्या कुछ खुशहाली लेकर आएगी? नई सरकार से हमें यही उम्मीद है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति, लुप्त होती संस्कृति सांग विधा है, जो काफ़ी बार 2007 से चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में करवाते थे, तो अब की बार सरकार ने ये बंद किया हुआ है दो कम से कम 3-4 सालों से। तो हम यही उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमारी सांग विधा को, संस्कृति को बढ़ावा दें और इसको आगे जाने की कृपा करें। सरकार ने अब की बार कई जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कराए थे, स्वर्ण जयंती को लेकर भी, और अलग अलग के कई जगह सांग भी करवाए थे, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा? संस्कृति को बढ़ावा तो मिलेगा, पर लेकिन जो स्वर्ण जयंती पर कराए थे वो सही ठीक सांग नहीं थे वो। क्यों? वो क्या करते हैं कि 15,000 का, 10,000 का लोभ देते हैं और वो ये सांग करा लेते हैं। इसमें कोई भी सांग करने के लिए आ जाता है, अदरवाइज़ जो धरोहर बचाए हुए हैं, इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सांग विधा से जुड़े हुए, उनको कम नंबर पड़ता है, और कोई भी अपने धोती बांधता और सांग करने के लिए चला जाता है, इससे वो खास बात नहीं हुई। जैसे सरकार पिछले उड्डा सरकार में हमें टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में 2007 से 1,01,000 का इनाम जीता था, और स्टेट अवार्ड 51,000 रुपये से सम्मानित किए थे। तो 2007 से लेकर 2015-16-17 तक करवाए, तो भी 18-19 से 2 साल से बंद है। क्यों बंद है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भाई क्या कमी थी और क्या इससे, क्यों हम कुरुक्षेत्र रत्नावली भी देखते हैं, सांगों में कम भीड़ होती है और डांस में या किसी भी आइटम में ज़्यादा भीड़ होती है, क्या कारण है ये? यही कारण है कि संस्कृति को बढ़ावा देने में प्रयास कम कर रही है सरकार। आप एक कलाकार के ना होने के नाते किस तरह से संस्कृति को बचा सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे हम संस्कृति को बचाएं? हम संस्कृति को ऐसे बचाएंगे भाई, गांव-गांव जाके हमें जो युवा संगी हैं, हमारे भाई जैसे जस्सी उझाना जी हैं, इनको युवाओं को मौका दिया जाए कि हम घर गांव-गांव जाके संस्कृति को बचाएंगे और संदेश देंगे कि हमारी लुप्त होती संस्कृति ये है कि जैसे कोई भी साधन नहीं हुआ करता पहले, टीवी का, रेडियो का, कुछ भी नहीं हुआ करता, तो हमारी एक सांगीय संस्कृति ऐसी थी कि जैसे लोग इसे जुड़ते थे। तो यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।